हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं भी जीतते हैं। दोस्तों आज मैं अपनी रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर में जो है इंजन ऑयल चेंज करने वाला हूँ, वो है मोटुल का 7100 10W50। एंड इसमें कंप्लीट डिटेल आने वाली है, बिकॉज में ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा। ऑयल फिल्टर को किस तरह से आप ओपन कर सकते हैं वो भी बताऊँगा, एंड किस तरह से जो है रिफिल किया जाता है, एंड बहुत सारी डिटेल जो है इंजन ऑयल के ऊपर आएगा। मैंने क्यों इंजन ऑयल ये फिल कर रहा हूँ वो भी बताया जाएगा। तो मेक श्योर इस वीडियो का जो देखिएगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों ये इंजन ऑयल फिल करके दिखाऊं एंड बहुत सारी डिटेलिंग आगे बात करें, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते, नोटिफिकेशन बेल जब भी दबाइएगा ताकि आपको इसका वीडियो का नोटिफिकेशन भी आए। दोस्तों ये है मोटुल का 7100 जो मैं फिल करने वाला हूं। ये फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है 10W50 जो कि कंपनी रिकमेंड करती है, ग्रेड वही सेम ग्रेड है। एंड प्राइसिंग आप यहां पर देख सकते हैं, मुझे जो है ये 890 के आसपास का पड़ा हुआ है, ठीक है। एक बोतल मैंने ओरिजिनल सोर्स से लिया था, ऑनलाइन नहीं मंगाया हुआ है। आप चाहे तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मैं आपको सोर्स जो है राइट सोर्स जो है वो दे दूंगा जहाँ से आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। एंड ये तो मैंने सर्विस सेंटर से ही जाके लिया हुआ है, रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर ये रहा, पीछे ये रहा जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यही है, ये 490 का है एंड 490 में ही मिला है, इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी सारा टूल का डिटेल भी देने वाला हूँ, कौन कौन सा टूल इसमें लगता है आपको ओपन करने के लिए। अगर आपने सम गार्ड लगाया हुआ है तो सम गार्ड कैसे ओपन करेंगे वो सारी डिटेल भी आएगी। एंड इंजन ऑयल जो पुराना इंजन ऑयल है वो आप देख सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, ठीक है। अभी मैंने बाइक स्टार्ट की हुई थी एंड बाइक स्टार्ट करने के बाद में ही जो है ये ऑयल लेवल आया हुआ है, एंड ऑयल तो कम हुआ है। एक बार निकालते हैं, देखते हैं कैसा है ऑयल, एंड बाकी डिटेल भी आगे बात करते हैं। एंड दोस्तों एक और चीज़, इसके अंदर जो है 3 लीटर इंजन ऑयल आता है, ठीक है। अगर आप रिफिल कर रहे हैं तो 3 लीटर इंजन ऑयल जो है बताना पड़ेगा, एंड ये 1-1 लीटर के ही हैं, आप सामने देख रहे हैं। दोस्तों सम गार्ड जो है रिमूव कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं सम गार्ड रिमूव हो चुका है। अब ये जो क्लैंप है इसका वो भी निकालना है। तो दोस्तों वो क्लैंप जो है वो रिमूव कर दिया है ताकि जो है यहाँ पर जो ऑयल फिल्टर है उसको रिमूव कर सके। दोस्तों ऑयल फिल्टर को ओपन करने के लिए मैं जो यूज करने वाला हूँ टूल वो है ये ऑयल फिल्टर ओपनर बोलते हैं इसको, ठीक है। कई बार सॉकेट जैसा भी आता है, ये हैक्स जो है बना हुआ है ना इसमें जो है ऐसे घुमाने वाला भी आता है, बट वो कई बार डैमेज कर देता है इसको। तो मैं जो है ये टूल यूज़ करने वाला हूँ जिससे कि फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड किस तरह से ओपन करते हैं देखते हैं, वैसे इससे बहुत जल्दी इजीली जो है ओपन हो जाता है। तो दोस्तों ऑयल फिल्टर जो है मैंने लूज कर दिया है इस टूल से, ठीक है। अब ये लूज हो चुका है, आप ये देख सकते हैं ये लूज हो चुका है, हाँ। बट अभी इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ पूरा, पहले जो है नीचे वाला बोल्ट में ऑयल जो है ड्रेन करते हैं, फिर बाद में जो है इसको निकालेंगे, वरना ऑयल नीचे ही सारा गिर जाएगा। तो दोस्तों ये बोल्ट तो निकला है बट इसमें ज़्यादा डस्ट जो है वो नहीं दिख रही है, साफ करते हैं। ज़्यादा डस्ट जो है इसके अंदर नहीं हुई थी एंड इंजन ऑयल जो है ऑलमोस्ट ड्रेन हो गया। थोड़ी देर रहने देंगे, कम से कम इसको 5-10 मिनट जो है ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद में ही जो ऑयल चेंज करने का प्रोसेस जो है करने वाले हैं। उससे पहले जो है ये भी निकालते हैं। Thank you.
तो दोस्तों ऑयल फिल्टर भी जो है निकाल दिया गया है, एंड ये रहा ऑयल फिल्टर, ठीक है। एंड निकालते वक्त जब रोटेट करते हैं, देखिए इसमें भी जो है, बेल्ट वाले में भी जो है थोड़ा सा तो डैमेज होता ही होता है, बट ओपन हो जाता है। अब हमें क्या करना है, ये जो एरिया है ऑयल फिल्टर का, इसको थोड़ा सा लूप करना है। ये जो एरिया है इसको लूप करेंगे, एंड थोड़ा जो इंजन न्यू इंजन लगे ये इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे, ताकि अच्छे से सोक हो जाए। तो दोस्तों अब देखते हैं, मैंने ऑयल फिल्टर जो है टाइट कर दिया है। इसको हैंड टाइट ही करना होता है, किसी टूल की जरूरत नहीं है। अच्छे से दोनों हाथ लगा के ना टाइट, इसको टाइट कर दीजिए। अब मैं नीचे वाला ये बोर्ड लगा देता हूँ, एंड उसके बाद जो है हम इसमें ऑयल फिल करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने ऑयल जो है वो ऑयल फिल्टर और बोर्ड जो है दोनों नीचे का टाइट कर दिया है। अब बारी आती है ऑयल फिल करने की। तो मैंने जो सबसे पहले खोला था ऑयल फिल्टर को लूप करने के लिए, उसको पहले मैं डालता हूँ। उसके लिए मुझे एक फनल चाहिए, फनल से ताकि डालूँ, और एक प्लायर चाहिए ताकि मैं इसको ओपन कर सकूँ। ढीला हो चुका है। तो दोस्तों आपने फाइनली देखा किस तरह से आप ड्रेन कर सकते हैं, ऑयल फिल्टर चेंज कर सकते हैं, जो इंजन ऑयल है वो डाल सकते हैं इजीली। आप घर में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। मैं टूल का डिटेल जो है ऑलरेडी स्क्रीन पे दे दिया है, क्या क्या टूल आपको चाहिए, अगर आपके नीचे सम गार्ड है तो किस तरह से उसको ओपन करना है, वो सारी डिटेल आपको आई होप मिल गया होगा। थोड़े बहुत बेसिक टूल अगर आप घर पर रखते हैं और, तो ये बेसिक चीज़ें जो है खुद ब खुद आप कर सकते हैं। इसका प्रोसेस जो है आपको कम से कम एक से डेढ़ घंटा मिनिमम चाहिए। अगर आप सारे प्रोसेस जानते हैं तो एक से डेढ़ घंटे में अंदर से आराम से हो जाएगा, जिसमें कि आपका ड्रेन का, ओपनिंग का, फिर थोड़ा आइडलिंग का, ये सब चीज़ें जो है आ जाएंगी। एंड मोटुल का 7100 दोस्तों मैंने पहले भी यूज़ कर रखा है, लद्दाख राइड में यूज़ कर रखा है। 6000+ किलोमीटर तक भी इसकी जो विस्कोसिटी है वो चेंज नहीं हुई थी, एंड अभी भी आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम के पास में है। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया भाई, अभी कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए आइडलिंग के लिए छोड़ दूंगा इसको। एंड बहुत ही अच्छा ऑयल है मोटुल का, अगर आप राइट सोर्स से बाय करते हैं, ओरिजिनल बाय करते हैं। एंड दोस्तों एक और रिकमेंडेशन दूंगा, जब भी आप ऑयल ग्रेड चेंज करते हैं, ऑयल चेंज कर रहे हैं, तो ऑयल फिल्टर साथ में चेंज कर दीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहता है। उससे क्या रहता है कि ऑयल फिल्टर इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोग इसको स्किप करते हैं, तो स्किप बिल्कुल मत करिए। अगर आप ऑयल चेंज कर रहे हैं तो ऑयल फिल्टर जो है साथ में चेंज कर ही दीजिए। एंड मैंने इसमें जो है अभी इंजन फ्लश नहीं किया था, बिकॉज मैंने ये 5-6000 किलोमीटर पे ही किया। अभी मैं इसको अगेन जब दूसरी बार जब मोटर का डालूंगा ना, मैं कोई भी दूसरा इंजन डालूंगा, तब मैं जो है इसको इंजन फ्लश करने वाला हूँ, एंड उसकी वीडियो भी आगे आपको देखने मिलेगी। दोस्तों यहाँ वीडियो का एंड करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ टूल्स के भी आइटम जो हैं, उसके भी सेट के जो मैं यूज़ करता हूँ टूल, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड जो मैंने ऑयल फिल्टर रिमूवर यूज़ किया था ना, उसका भी लिंक वहीं मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ वीडियो का एंड करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए, बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। बाय।